बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आज हमारा पहला लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग कंक्रीट और सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी को मैंने स्लैश करके इंजीनियरिंग मटेरियल का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग इस सब्जेक्ट में कंक्रीट के अलावा जो है ब्रिक्स को भी पढ़ेंगे और टिबर को भी पढ़ेंगे। ये जो है इट इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, प्योर सिविल इंजीनियरिंग। जो प्योर सिविल इंजीनियरिंग है हमारे पास, उसमें हमारे पास जरूरी है कि हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो बहुत सारे इंजीनियरिंग दूसरे में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है वो आपका स्पेसिफिक है फॉर द ओनली सिविल इंजीनियर्स। देखते हैं कि हमारे पास कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट एक्चुअली हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि कंपोज है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट विद द वाटर, जिसके अंदर वो हार्ड शेप में चला जाता है। सो कंक्रीट हमारे पास जो है वो चार चीजों से मिलकर बनता है। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट को हम लोग सैंड भी कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट विद द हाँ वाटर। तो हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे वो ज्यादा ज्यादा सीमेंट के ऊपर करेंगे और कंक्रीट के ऊपर करेंगे। बाकी जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट है उसको हमने डिटेल में स्टडी किया है सॉयल मैकेनिक्स में, उसके लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। सीमेंट क्या है हमारे पास? सीमेंट इन जनरल एडहेसिव सब्सटेंस ऑफ ऑल काइंड्स, but in narrow sense the binding material used in building and civil engineering construction. civil engineering jo hai civil engineering mein cement hamare paas binding material hai, yani chipakta hai hamare paas, cheezon ko jodne ke kaam aata hai. lekin broad sense mein aap isko dekhenge to ye hamare paas kya hai, adhesive substance hai. to cement se aapko do cheeze mil gayi hamare paas ki cement adhesive substance bhi hai aur binding material bhi hai. इसके अलावा कंक्रीट में हमारे पास चार चीजों से मिलकर कंक्रीट बनता है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। जो हमारे पास सीमेंट है उसमें हमारे पास जो चीफ कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, यानी चीफ कंपोनेंट्स का मतलब है जो सबसे ज्यादा मकदार में होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास है लाइम, जिसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको फार्मूला आना चाहिए लाइम का, ये आपके पेपर में अक्सर ये बेशतर पूछा जाता है कि लाइम का फार्मूला क्या है। तो सीमेंट के अंदर लाइम की मिकदार हमारे पास 60-67% होती है। नेक्स्ट इज सिलिका। सिलिका डाइऑक्साइड को हम लोग सिलिका कहते हैं, इसमें हमारे पास 17-25% होना चाहिए। एल्यूमिनिया हमारे पास है Al2O3, ये एक्चुअली जो Al2 है इसके बेस में आएगा, नीचे से O3 भी बेस में आएगा, तो ये 3-8% होता है। आयरन ऑक्साइड जो है वो हमारे पास Fe2O3 है, वो 0.5-6% होता है। मैग्नीशिया इसको हम लोग MgO से जाहिर करते हैं, 0.1-4% होता है हमारे पास। सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 1-3% होता है। सोडा या इसको पोटाश भी कहते हैं, इसका फार्मूला Na2 और K2O, ये 0.5-1.3% तक होता है हमारे पास। नेक्स्ट है बोग, बोग्यू या बोग कंपाउंड्स इसको हम लोग कहते हैं, जो सीमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो जिनकी मिकदार तो बहुत कम होती है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमारे पास, इसकी जो एब्रिवेशन आप इस तरह लिखोगे C3S, यानी ट्राई कैल्शियम, 3 कैल्शियम के 1 सिलिकेट का। दूसरा नंबर है डाई कैल्शियम C2S, इसके एब्रिवेशन है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C, इसके नाम से आप इसके एब्रिवेशन बना सकते हो। टेट्रा कैल्शियम जो है एल्यूमिनियम फेराइट, एल्यूमिनियम फेराइट, ये हमारे पास देखो टेट्रा का मतलब 4, कैल्शियम जो हमारे पास है कार्बन 4 है हमारे पास, सॉरी कैल्शियम 4 हमारे पास, एल्यूमिनियम है और जो है वो फेराइट है हमारे पास। फेराइट को ये जो है आयरन को हम लोग Fe से जाहिर करते हैं, इसलिए फेराइट का नाम दिया गया है। अब ये तो हमारे पास जस्ट जो थी कंपाउंड्स थी,
अभी हम लोग देखेंगे कि इनका फंक्शन एक्चुअल होता क्या है। ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4 कंपाउंड्स, तो इनकी जो हमारे पास फंक्शन है, ट्राई कैल्शियम और जो डाई कैल्शियम होता है वो हमारे पास एवेंचुअल स्ट्रेंथ के लिए होता है। एवेंचुअल मतलब फौरन जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होती है। ये को जो है वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये भी पेपर में सवाल आया हुआ है। नीचे वाला सवाल भी आया हुआ है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हार्डेंस क्विकली, यानी ये हमारे पास जो हार्ड है उसको जल्दी करने के लिए हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इस्तेमाल होता है, और ये स्ट्रेंथ के लिए भी, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए भी होता है। ये आगे इसके कहता है कि हमारे पास डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो हमारे पास 7 दिन उसको लगते हैं सीमेंट के अंदर अपना मैकेनिज्म को कंट्रीब्यूट करने में, जबकि ये आपको जरूरी है डाई कैल्शियम सिलिकेट 7 दिन मिनिमम होते हैं, और वो जो है चलते चलते 1 साल तक जो है वो कंटिन्यू रहता है अपने मैकेनिज्म को कंटिन्यू करने में या फिलअप करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट्स जो है वो हार्डेंस क्विकली जो है सीमेंट को करता है, जनरेट्स मच हीट, जो ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट है वो सबसे ज्यादा हमारे पास हीट जनरेट करता है, जबकि स्मॉल स्ट्रेंथ इसकी जो होती है वो होती है 24 आवर्स के दरमियान कंट्रीब्यूट ये करता है, जबकि हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट जो है थे वो हमारे पास जो है वो इनएक्टिव है बजाय आउट ऑफ द ऑल फोर। फिर हमारे पास जो ऑल फोर कंपाउंड्स होते हैं वो हीट जनरेट करते हैं जब हमारे पास उसको हम लोग वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। सॉरी एल्यूमिनेट जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास हीट जनरेट करता है, और डाई कैल्शियम हमारे पास जो है वो मिनिमम करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि चारों कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो हीट है वो एल्यूमिनेट करता है, सबसे कम जो है वो डाई कैल्शियम करता है, जबकि ट्राई कैल्शियम जो होता है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज, डिजायरेबल अनडिजायरेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी वजह जो है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बन सकता है। और हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जितना कम होगा हमारे पास उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारे पास ज्यादा होगी, और हीट कम प्रोड्यूस होगा और क्रैकिंग कम होगी, किसकी कम होने से, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, देखो C3A, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की निशानी है। प्रॉपर्टीज है हमारे पास सीमेंट की, ये भी आपको आने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 3.12 से 3.15 होता है, ये मैंने इसलिए लिखा है रेंज में क्योंकि आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो तो सर के लेक्चर में जो है वो ये वैल्यू थी, यहाँ ये है, तो ये इनके करीब भी इसकी वैल्यू होती है। कंसिस्टेंसी हमारे पास 29% होनी चाहिए, ये वर्केबिलिटी के लिए हम लोग इसको कंसिस्टेंसी का वर्ड इस्तेमाल होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट है, फाइनल सेटिंग टाइम हमारे पास 600 मिनट या 10 आवर्स है हमारे पास। फाइनेंस जो है वो सीमेंट की 330 kg पर मीटर स्क्वायर है। साउंडनेस हमारे पास 2.5 mm है। बल्क डेंसिटी हमारे पास 830 से लेकर 1650 kg पर मीटर क्यूब है। ये जो आपको चीज़ें हैं, वैल्यूज हैं, ये आपको आनी चाहिए, ये मैंने सिर्फ नाम यहाँ पे बताए हैं। इन अपकमिंग लेक्चर्स हम लोग इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस पर्पज के लिए होते हैं। तो ये था हमारे पास सीमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है जो मेथड्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी के अंदर सीमेंट के ऊपर इन चीज़ों को चेक करने के लिए, वो हमारे पास कौन से होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।